प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का जन्म आज ही के दिन 1880 को हुआ था। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, भिका की दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मुमताज का जन्म आज ही के दिन 1947 को हुआ था। मुमताज अस्करी माधवानी 50-60 के दशक की मशहूर भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्हें फिल्म इंडस्ट्रीज में स्टंट नायिका के रूप में पहचान मिली। उन्होंने 15 साल के छोटे से करियर में 108 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 1880 को हुआ था। उन्हें भारत के महान और सबसे प्रभावशाली गायकों में से एक माना जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं।